नमस्कार दोस्तों, आज के लेसन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल के एक रेगुलर सब्सक्राइबर और व्यूअर हैं मिस्टर लालचू रॉय वेस्ट बंगाल से, तो उन्होंने कई बार अपनी फरमाइश के 3-4 गाने रिपीटेड फरमाइश की है और मैं उसमें से कोई गाना ले नहीं पाया हूँ। एक तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सॉन्ग्स चुन के भेजते हैं, तो आज मुझे लगा कि वो एक गाना तो उनका बनता ही है, अदरवाइज़ फिर ऐसे जो व्यूअर्स होते हैं वो उन नाराज़ भी हो जाते हैं। तो मैं एक हारमोनिका के हिसाब से थोड़ा सा रेयर सॉन्ग ही कहूँगा, आरजू फिल्म का ये गीत, लता जी का गाया हुआ बहुत खूबसूरत गीत है, बेदर्दी बाल माँ तुझको मेरा मन याद करता है। ये गीत माउथ ऑर्गन के लिए बहुत सूटेबल तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कोशिश करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने की जितनी हो सके मैंने कोशिश की है बिगिनर्स के हिसाब से। तो जिनको गीत पसंद है वो ट्राई कर सकते हैं, साधना जी के ऊपर फिल्माया हुआ गीत है। मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं की है, मैं थोड़ा सा आपको बजा कर दिखाऊँगा। इसमें एक शुरू में एक आलाप सा पार्ट है और फिर मुखड़ा और अंतरा, तो मैं आराम आराम से थोड़ा बजाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम एक एक लाइन करके इसको नोटेशंस के सहारे सीखेंगे। सी की का हारमोनिका है, उसके बाद मुखड़ा, अंतरा पार्ट आगे, आशा आपको पसंद आएगा। तो चलिए आलाप की दो लाइनें पहले सीख बजाते हैं। अपर ऑक्टेव का सा नोट लिया है मैंने, वहां से शुरू कर रहे हैं। सारे, मैं उस नोट के हिसाब से नहीं गा रहा हूं, आप नोटेशंस पे ध्यान दीजिएगा। सारे ग रे ग रे सा, अगली लाइन सा नी ध प, नी और ध कोमल नोट्स हैं जिनको स्मॉल लेटर से हमेशा मैं डिनोट करता हूँ। उसके आगे म प प म ध ध प नी नी ध प प, म प प म ध ध प नी नी ध प प, नी और ध कोमल। तो ये पार्ट हो गया। यहाँ पे आप देखिए कोमल धा बजाने के लिए आपको
पाव बजाते समय स्लाइडर प्रेस करना है और वो ऑब्वियसली ब्लो का नोट होगा, और कोमल नी बजाने के लिए आपको ध के ऊपर ध बजाते समय, शुद्ध ध बजाते समय स्लाइडर प्रेस करना है तो उसका अगला नोट मिल जाएगा आपको, यानी कि कोमल नी, तो वो हम जानते हैं कि ड्रॉ का नोट है, तो ये ध्यान रखना है। इसके आगे हम लोग मुखड़ा पाठ देखते हैं। बेदर्दी बाल मा तुझको, एकदम सा नोट से ले रहे हैं हम लोग, सी नोट से, सा सा ध प पा 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 ध प पा सा सा ध प पा 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 ध प पा। अगली लाइन, मेरा मन याद करता है धापा माम, उसके आगे मोर पौ एक साथ बजाना है आपको, मपगा मा मा धा पा पा। तो यहाँ आपको ध और नी ये कोमल बार बार बजाना है इस सॉन्ग में, शायद राग चारुकेशी पे बेस्ड है ये गीत। उसके आगे, बरसता है जो आंखों से, अब हम इसकी पिछली लाइन पे पॉप पे एंड करते हैं, अब वही पॉस है, पापा रे 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 सारे सा, पापा रे 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 सारे सा। वो सावन याद करता है सासानी नी धा धा सासानी नी धा धा धनी धा पापा सासानी नी धा धा धनी धा पापा। बेदर्दी बाल मा तुझको, तो ये इसका मुखड़ा पाठ हो गया, और आगे अंतरा पाठ देखते हैं। कभी कभी हम साथ गुजरे दिन, ग नोट से, ग ग मा प ग ग मा प मा ग ग ग ग ग ग ग ग ग मा प मा ग ग ग ग सजीली राह गुजारों से ग ग मा धा धा, जहां भी धा आ रहा है वहां कोमल धा है, पध प प पध प एक साथ बजाना है, कितना स्वीट लगता है अगर आप ढंग से बजाएंगे तो, बहुत ही बेहतरीन कंपोजिशन है ये, और लता जी ने उतनी खूबसूरती के साथ गाया भी है इसको। माउथ ऑर्गन पे थोड़ा रेयर सॉन्ग है ये, ज़्यादा मैंने तो नहीं सुना है, बट एक व्यूअर की फरमाइश है तो मैंने ट्राई करने की कोशिश की है इसको। ट्राई करने की कोशिश तो वैसे गलत है, क्योंकि ट्राई और कोशिश तो एक ही चीज़ है, मैंने ट्राई किया है या कोशिश की है, ये सही है। आगे जो दो लाइनें हैं वो बिल्कुल अंतरे की, वो इसी तरह से रिपीट होंगी। खिजा के भेष में गिरते
ये उसी तरह से बजेगा। हैं अब पत्ते चनारों से, उसके आगे की दो लाइनें एंड की, ये राहें याद करती हैं। सा सा सारे सा सा सारे रे ग ग रे ग रे सा 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 सारे रे ग रे रे ग ग रे ग रे सा सा। ये गुलशन याद करता है, ये फिर पहले की तरह सा सा नी नी धा 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 नी धा पा पा सा सा नी नी धा 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 नी धा पा पा। तो इस तरह से सॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। मैंने जितना सिंपल हो सके उतने नोटेशन देने की कोशिश की है। आशा है लल्टू रॉय जी को और बाकी जो भी पुराने गीत पसंद करते हैं उनको बजाने में इससे सुविधा होगी। और अगर पसंद आता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो आप लाइक कीजिएगा। और कुछ गीत मैं बजा नहीं पाता, बाकी धीरे धीरे करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटेशंस प्रोवाइड कर सकूँ, ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक मेरी अपनी संगीत के प्रति जो श्रद्धा है उसी का पार्ट है। मैं भी इसके साथ आनंद ले रहा हूँ और आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, आगे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, बाय बाय, थैंक यू।